टनकपुर से आगे अनेक पहाड़ियों की चढ़ाई पार करते हुए पर्वत के सबसे ऊपर बने मंदिर में माँ के दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त होता है। जंगलों के बीच ऊंची पहाड़ियों को पार करते हुए रास्ते में अनेक विश्राम स्थल, आराम करने के लिए कई धर्मशालाएं, कई दुकानें हैं जिनसे आप सामान खरीद सकते हैं। नवरात्रियों में 9 दिन माँ पूर्णागिरी शक्तिपीठ में देवी की पूजा प्रार्थना करने का विशेष महत्व होता है। आज हम सुनेंगे माँ पूर्णागिरी के जन्म की कहानी। माँ पूर्णा का मंदिर टनकपुर में कैसे बना, कहानी को पूरा सुने और बिल्कुल भी स्किप ना करें। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। पहला चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अधिक से अधिक शेयर करें। पौराणिक कथाओं के अनुसार दक्ष प्रजापति की कन्या के रूप में सती माँ का जन्म हुआ। शिवजी से विवाह हेतु माँ सती ने बहुत तपस्या की। एक बार इंद्र की सभा में जब दक्ष प्रजापति आए तो शिवजी स्वयं में रमे होने के कारण दक्ष प्रजापति का आदर सत्कार नहीं कर पाए। इस बात पर दक्ष प्रजापति को बहुत गुस्सा आया, उनके आत्मसम्मान को चोट लगी। वह इस घटना को भूल नहीं पाई। एक बार प्रजापति ने यज्ञ आयोजित किया, लेकिन पुरानी बात को याद करके शिवजी को निमंत्रण नहीं दिया। माता सती अकेले ही अपने मायके आई। अपने पिता के घर में अपने पति के लिए आसन को न देकर बहुत दुखी हो गई। मायके में शिव के अपमान को माँ सती सहन नहीं कर पाई और उन्होंने यज्ञ कुंड में स्वयं को समर्पित कर दिया। शिव इस घटना से क्रोधित हो गए। उन्होंने अपनी जटा को नोचकर पत्थर पर पटक दिया। इस जटा से वीरभद्र गण प्रकट हुआ, जिसने दक्ष प्रजापति की गर्दन तलवार से काट दी और यज्ञ स्थल छिन्न भिन्न कर दिया, जिसके कारण तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। सती के जले हुए शरीर को देखकर शिवजी बहुत दुखी हो गए। तब यज्ञ कुंड से सती माता का पार्थिव शरीर को लेकर शिवजी जंगल जंगल पर्वत पर्वत भटकते रहे, दुख से तांडव करने लगे। तीनों लोग कांप उठे, हाहाकार मच गया। अब देवता विष्णु भगवान के पास गए। देवताओं ने विष्णु भगवान से कहा, अगर शिव शांत नहीं हुए तो पूरी सृष्टि नष्ट हो जाएगी। तब विष्णु देव ने देवताओं की प्रार्थनाओं को स्वीकार किया। शिवजी को सती के मोह से मुक्ति दिलाने के लिए विष्णु भगवान ने सुदर्शन चक्र से सती माँ के पार्थिव शरीर के कई टुकड़े कर दिए। उन्होंने सोचा, जब तक शिवजी के पास सती माँ का निर्जीव शरीर रहेगा वह दुखी रहेंगे, इसलिए उन्होंने शरीर के छोटे छोटे कई टुकड़े कर दिए। कहा जाता है, जहाँ जहाँ सती माता के अंग गिरे वहाँ वहाँ शक्ति पीठ स्थापित हुए। माँ पूर्णागिरी में माता सती के शरीर का नाभि का अंग गिरा, इसलिए इसे विशिष्ट उपासना स्थल माना गया है। बोलिए शेरे वाली माता की जय, बोलिए सांचे दरबार की जय। इस तरह यहाँ पर माँ पूर्णागिरी का मंदिर बना। अब मैं कहानी यहीं पर समाप्त कर रही हूँ। अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ आपके सामने आऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार। पहला चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अधिक से अधिक शेयर करें।